Chala, why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written ki God says mere ko doodh dena and Hanuman saying mere ko tel dal? I go to temples and things like that, there's so much of waste. All we need to develop is that mindset ki stop doing all these things and let's think in a practical way. I did a film called Oh My God, and it was something about why waste so much milk on Lord Shiva, or itne sare bhagwan hum dal dete hain, and that whole milk just goes out in waste. I used to go to Vaishno Devi every 6 months, and to me, to go to Vaishno Devi, I used to spend about 2 lakhs, 3 lakh rupees, because. And then one day I thought that these 3 lakhs, why don't I give it to someone? And trust me, मैंने किसी को दे दिया, किसी गरीब को दे दिया, किसी को नीडी को दे दिया, and I got Vaishno Devi के दर्शन उसके अंदर. And that is the day I realized I don't need to go. हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है. अक्षय कुमार की रक्षाबंधन के रिलीज से पहले फिल्म की लेखिका कनिका ढिल्लो ने ट्विटर पर सफाई अभियान शुरू किया है. कनिका ने अचानक से वह ट्वीट डिलीट करना शुरू कर दिए हैं जिससे उनकी हिंदू घृणा स्पष्ट झलक रही थी. एक यूजर के अनुसार उन्होंने सोमवार 1 अगस्त 2022 को करीब आधे घंटे के भीतर 17 ट्वीट हटाए, लेकिन उससे पहले इनमें से ज्यादातर के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके थे. इन पुराने ट्वीट्स में देख सकते हैं कि कैसे कनिका ढिल्लो ने उस हर प्रदर्शन को समर्थन दिया जो मोदी सरकार के विरोध में था, या फिर जहां हिंदुत्व को गाली दी गई अथवा देश को कोसा गया. सेलिब्रिटी होने के बावजूद एक से ज्यादा ट्वीट में कनिका ढिल्लो को भारत को लिंचिस्तान कहते देखा जा सकता है. उन्होंने अकबर खान की हत्या मामले में भारत को लिंचिस्तान कहा था. उन्होंने लिखा था, गौमाता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, #लिंचिस्तान. गौमाता भी डरी हुई है और थक गई है, वह भी देश छोड़कर US जाना चाहती है और तब तक ट्रंप को झेलने को तैयार है जब तक कि हिंदुस्तान में शांति, सामान्य बुद्धि और इंसानियत नहीं लौट आती. इसके अलावा 2018 में राजनाथ सिंह ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर देश में लिंचिंग के विरुद्ध कानून लाया जाएगा. तब भी कनिका ने इस पर सवाल खड़े करते हुए पूछा था कि कौन से समय का इंतजार किया जा रहा है. उन्होंने अपने ट्वीट में केवल गौरक्षकों पर सवाल नहीं उठाए बल्कि गौमाता पर भी प्रश्न खड़े किए थे. इसके बाद जब साल 2019 में संशोधन अधिनियम के विरुद्ध प्रदर्शन शुरू हुए तो कनिका ढिल्लो सक्रिय रूप से प्रदर्शनकारियों के समर्थन में ट्वीट करती दिखाई देती थी. एक ट्वीट में वह कागज नहीं दिखाएंगे कहती दिख रही है. उन्होंने अपने ट्वीट में पुलिस को इस तरह पेश किया था कि प्रदर्शन के दौरान सिर्फ मुस्लिमों पर हमला हो रहा हो, बल्कि साथ में उनके वाहनों में भी तोड़फोड़ की थी. इसी तरह मध्य प्रदेश के खरगोन में जब हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई थी तो कनिका ढिल्लो ने सारा ठिकरा हिंदुओं पर ही फोड़ दिया था. उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू हूँ और मुझे भारतीय मुस्लिमों की इज्जत करना सिखाया गया है, यही हिंदुओं के जीने का ढंग है. हम कर्म में विश्वास रखते हैं और इस तरह मस्जिदों पर पत्थरबाजी और गरीब मुस्लिमों के घर उजाड़ना कर्म नहीं है, ये पागलपन है और हिंदुत्व के विरुद्ध है. बता दें कि कनिका ढिल्लो का मोदी विरोधी व्यवहार हमेशा से नहीं रहा. 2014 में उनके द्वारा किए गए ट्वीट देखे तो पता चलता है कि 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान और उससे पहले वो मोदी समर्थक थी, लेकिन अचानक उन्होंने ट्विटर पर भारत को नेगेटिव शेड में दिखाने के लिए हिंदुत्व को गाली देनी शुरू कर दी. काम की बात करें तो कनिका ढिल्लो ने हसीन दिलरुबा, 2018 में आई मनमर्जियां, जजमेंटल है क्या, साइज जीरो जैसी फिल्मों में अपना योगदान दिया है. मीनिंग ऑफ मंदिर, somebody has explained me, this play has explained me, the meaning of mandir is
मन अंदर. God is within ourselves. We don't need to go somewhere to ask where He is and ask Him about anything. And that is the day I realized I don't need to go, because why? Why is the word mandir there? Mandir means man ke andar. Mandir. It is there. The answers are very much within ourselves. So man ke andar, that was the real meaning of mandir. So much will on Lord Shiva, or इतने सारे भगवान हम डाल देते हैं, and that whole will just goes out in waste. वही दूध हम किसी किसी गरीब को दे दे, किसी के वहां दे दे, and that can come in use, and that is important, because that will make the whole thing work. आज बारी हमारी. अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है. हम में से कुछ वानर बने, कुछ गिलहरियां बने, और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देकर ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साझेदार बने. मैं खुद करता हूं शुरुआत. मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे. जरा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना. उसमें दो एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई.